शहर के कंजर मोहल्ले में एलसीबी के पथक ने छापा मारते हुए बनावटी विदेशी शराब का कारखाना उद्ध्वस्त किया था। इस मामले में शामिल फरार आरोपी को 7 दिन के भीतर पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे साहित्य आपूर्ति करने वाले व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है। 7 दिन पहले शहर के कंजर मोहल्ला में एलसीबी के पथक ने छापा मारकर बनावटी विदेशी शराब का कारखाना उद्ध्वस्त किया था। इस बनावटी शराब मामले में मुख्य सूत्रधार रविंद्र उर्फ बेटू कंजर यह पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था। पुलिस उसकी तलाश में थी, तभी बिट्टू कंजर चंद्रपुर में लौटने की जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई। जानकारी मिलने पर पुलिस ने योजना बनाई और उसे हिरासत में लिया। उसे बनावटी शराब के लिए आवश्यक साहित्य देने वाले व्यक्ति को भी पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार किया। शराब माफिया रविंद्र कंजर यह एक नामांकित ब्रांड के शराब में घातक ऐसा रसायन मिलाकर बनावटी शराब तैयार करने के और नए बॉटल्स में पैक कर उसे ग्राहकों को बेचने की गुप्त जानकारी स्थानीय अपराध शाखा को मिली थी और इसी जानकारी के आधार पर 21 अप्रैल को एलसीबी के पथक ने उसके कंजर मोहल्ले के निवास स्थान में छापा मारा और नामांकित कंपनी की शराब और साहित्य जब्त किए और शराब के साथ अन्य साहित्य जब्त किए। एलसीबी के पुलिस निरीक्षक महेश कुंडावार इनके नेतृत्व में पुलिस उप निरीक्षक अतुल कावड़े, पुलिस अमलदार संजय अतकुलवार, संतोष एलकुलवार, नितिन रायपुरे, रविंद्र पंधरे, कुंदन सिंह बावरी, गोपाल अतकुलवार, नरेश डाहुले, प्रांजल झिलपे, चंद्रशेखर आसुटकर, प्रशांत लारोकर, छगन जांभुड़े, उमेश अरोड़े इनके पथक ने कार्रवाई की।